इस समय हम मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल के सामने खड़े हैं, जहां पे के बड़ी संख्या में कोरोना वायरस से पीड़ित लोग यहां पे लाए जा रहे हैं और उनका इलाज यहां पे चल रहा है। मैं अगर आज की बात करूं तो आज जो है मुंबई के 4 अस्पतालों को और खोल दिया गया है कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए। अब तक के ये सारा बोझा जो था वो कस्तूरबा अस्पताल के ऊपर था, क्योंकि कस्तूरबा अस्पताल एकमात्र हॉस्पिटल ऐसा था जिसमें के लैब बना हुआ है इस तरीके के वायरसों का टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है सारे मरीज लाए जाते थे, मगर मरीज के साथ साथ यहाँ पे एक बड़ी समस्या थी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने की, और दूसरी चीज़ ये जो महामारी देश भर में फैली है उससे किस तरीके से कर्मचारियों को और डॉक्टरों को और अस्पताल में काम करने वालों को सुरक्षित रखे, साफ सफाई का ध्यान दे, क्योंकि जिस तारीख से लॉकडाउन का अनाउंस किया गया है 22 तारीख, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 22 तारीख को लॉकडाउन का अनाउंस किया। उसके बाद से लोकल ट्रेनें जो है उद्धव ठाकरे ने जिस दिन से लॉकडाउन का अनाउंस किया है उस दिन से अब तक के जो है लोकल ट्रेनें और अन्य जो सुविधाएं हैं उसे बंद कर दी गई, ताकि लोग यहां से वहां नहीं जा सके। उसी की मार जो है सीधे सीधे कर्मचारियों पर भी पहुंची, जिसकी वजह पे बड़ी संख्या में कर्मचारी जो है अस्पताल में नहीं आ पा रहे थे। उसी से निपटने के लिए वार्ड नंबर 216 के नगर सेवक नरवनकर जी इस समय मेरे साथ में हैं। किस तरीके की पहल उन्होंने की मैं उनकी ज़ुबानी जानना चाहूँगा। नरवनकर सर, ये बताइए किस तरीके की शुरुआत आपने की इस परिस्थिति से निपटने के लिए। नमस्कार। जिस दिन महाराष्ट्र सरकार के माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने भारत में सबसे पहले मुंबई में या महाराष्ट्र में लॉकडाउन घोषित कर दिया था और रात को 12 बजे था, और लास्ट में इमीडिएटली उस वक्त किसी को पता नहीं था इसे होने वाले, और ट्रेन बस सब बंद होने के बावजूद कोई ऑफिस में पहुंच नहीं पाता, साइट पे पहुंच नहीं पाता, ये मेरी चीज़ ध्यान में आई। इसलिए मैं तुरंत हमारे लोकल असिस्टेंट कमिश्नर गायकवाड़ साहब, डिप्टी कमिश्नर AMC मेयर साहब से मैसेज किया कि मेरे जो तजुर्बा इस महानगर पालिका एक्सपीरियंस का, उसका मैं खुद मेरे अभी ये इमरजेंसी में लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। उनसे ली की तो उन्हें तुरंत जवाब दिया, थैंक्स फॉर ये गेस्चर, इट्स मोस्ट वेलकम। तो मैं तुरंत जाके लॉकआउट पीरियड 12 बजे चालू होने के पहले 11:30 जाकर डी वार्ड कंट्रोल में जाके बैठा। वहाँ जो स्टाफ है जो अवेलेबल थे, इनको कैसे कैसे जॉब अलाइनमेंट में, फ़ोन रिसीव करने में, इमरजेंसी कॉल पर कहाँ गाइड करने में मदद करना चालू कर दिया। और दूसरे दिन दूसरा रिलीवर आने के बाद ही मैं वहाँ से कंट्रोल से बाहर पड़ा। तब से रोज़ मेरे एरिया में जो कुछ छोटे मोटे सिविक इशू से काम है उसमें मेरा हाथ बटाने चालू कर रहा हूँ। जब थोड़ा कम होता है तभी किसी के लिए रिलीवर में वापस रिवॉर्ड कंट्रोल में जाके बैठता हूँ। सर, मैं अगर बात करूँ किस तरीके की साफ सफाई जो है कस्तूरबा अस्पताल में आपके द्वारा या आपके साथ में जो सहयोगी है उनके द्वारा की जा रही है। मैं एक पहले साफ करने वाला, कस्तूरबा हॉस्पिटल मैं जहाँ रिप्रेजेंट और डी वार्ड में नहीं आते, इट कम्स इन द जी साउथ वार्ड, वहाँ का उनका स्टाफ कम है, लेकिन वही स्टाफ एक तो कम आ पा रहे लंबे लंबे से, तो इसलिए दूसरे आजू बाजू के वार्ड, क्यों ये इसका कंट्रोल DMC Zone 1 काली साहब के पास दिए गए है टू कोऑर्डिनेट। ऑलरेडी ही 5 वार्ड्स, उसमें जी साउथ एफ साउथ ऐड करके उसमें एफ साउथ जी साउथ ऐड का करने के बाद हमारे वार्ड के भी अधिकारियों को हाथ बटाने कहा गया है। तो रोज़ नहीं आ सकते, लेकिन हफ्ते में 3 बार हम लोग बैच के 15-14 जन का बैच लेबर लोग को और उनके सुपरवाइजर अलग अलग अभी है श्रुति साहब है उनको लेके हम आते हैं, म्यूनसिपैलिटी की जीप आती है, उनको हैंड ग्लोव्स मास्क सेफ्टी इक्विपमेंट दे के शाम को सेकेंड शिफ्ट में साफ सफाई का जिम्मेदारी हम लोग पे दी है वार्ड में। तो उस वक्त उनके साथ मैं भी आता हूँ तो उधर उनका मॉरल बूस्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कहता हूँ, सेकेंड शिफ्ट पे तो खाना खाने के लोग आते ही है, उसके बाद उन लोग को चाय देना, मेरे तरफ से बिस्किट देना, केला देना, और उनके साथ हाथ बटाना, वो डरे नहीं, उनका मॉरल अच्छा बूस्ट हो के और ज़ोर से ताकत से काम करे। इस ढंग से हमारे काम चालू है। नॉर्मली कोई भी राजकारणी हो या म्यूनसिपैलिटी का वर्कर कोई भी, ये ऐसे अस्पताल है संस्कारजन्य रोगों के लिए पर्टिकुलर अस्पताल है, तो यहाँ कोई भी सामान्य मानुष आने से डरता है, तो बड़े लोगों को हर वक्त फॉलो कर रहे हैं। अभी जैसे कानून से 60 एंड अबव दोरा ससेप्टेबल, मैं तो अभी 63 क्रॉस हो गया हूँ, फिर भी भगवान का से हेल्प से हम लोग उनके साथ कर पाए रहे, लेकिन उस वक्त हम सेफ्टी की प्रिकॉशन ले रहे हैं, जो कुछ करना हैंड ग्लोव्स मास्क 5 फुट का डिस्टेंस आजू बाजू में रहे, इस ढंग से इसमें काम में हम हमारा हाथ बटा रहे हैं। नरवनकर सर, अगर मैं सवाल करूं
आप नगर सेवक हैं 216 वार्ड के, 216 वार्ड की अगर मैं बात करूं तो वहां एकमात्र वार्ड ऐसा है जहां पे दवाओं का छिड़काव नहीं किया गया है, सैनिटाइज़र नहीं मारा गया है। क्यों ऐसे किया गया है, क्या वजह है, लोग पूछ रहे हैं कि हमारे इलाके में क्यों नहीं किया गया। सब ये अर्धसत्य है, किया गया नहीं सर, कोई कुछ जगह किया गया, करने वाले महानगर पालिका कम दूसरे सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट थे। मैं किसी की नगर सेवक या दूसरा आमदार पार्टी का नाम नहीं लूँगा। मैं इस चीज़ में फिर से कहता हूँ, मैं ऑलमोस्ट मोर देन 34 ईयर्स में बीएम से सर्विस कर दिया हूँ और ये हर डिपार्टमेंट की मुझे अच्छा तजुर्बा, किस ढंग से काम करते हैं, किस ढंग से करना चाहिए, उसमें क्या खामी है, क्या सुधार लाना चाहिए। मैं पहले दिन से पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर डी वार्ड के महाजन साहब है उनको कहा था कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहीं पर कीजिए। फिर भी कहीं एक जगह पे हमारे वार्ड में, मेरे बाजू के वार्ड में, दूसरे वार्ड की ई वार्ड और बोलो संताकुज बैंड्रा में लोग दिखाई दिए कि लोग क्या करें, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ला रही है, हवा में पानी में केमिकल डाल के ऊपर हवा का झोर छोड़ रहे हैं, गली में बिल्डिंग में दुकानों के बाहर पूरा पाइप पोस्ट पाइप ला के कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उसी दिन में कि जरूरत नहीं कि ये जो वायरस है ये क्या उड़ता नहीं है, कोई हेवी है और ऐसे सिंपल तुम्हारे मास्क से भी अटक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 फुट पे नीचे, उसका लाइफ टाइम भी कम है। बेस्ट थिंग सेफ्टी इज दैट पर्सनल गैज, आप किसी के भी कांटेक्ट में नहीं, अभी आप हम कैसे 3 फुट का डिस्टेंस रह के खड़े हैं, वैसे लंबे रहने, एक तो जहाँ जरूरत है इमरजेंसी वहीं बाहर पड़े, एक तो बाहर पड़े ही नहीं, फिजिकल कॉन्टैक्ट आएगा ही नहीं आपको, आपके हाथ कहीं लगे नहीं, मुँह में नहीं, गले में नहीं जाएंगे, आँखों में नहीं, तो वायरस आपको कोरोना होने के संभव ही नहीं है। तो ये जिस ढंग से किया जा रहा था उसे और तो उसके फ़ायदा कम और उसका नुकसान ही ज़्यादा, इसका वजह बताता हूँ। इसमें क्या है, केमिकल है ना, और सोडियम हाइपोक्लोराइड फॉस्फेट, तो उसमें ये रसायन है, ये नैसर्गिक नहीं है चीज़, तो हर केमिकल में कुछ प्लस या माइनस पॉइंट देती है, तो ये मनुष्य जीवन के लिए हानिकारक है। जहाँ करना है वहाँ उस बिल्डिंग, वो तालुका, वो गली, वो बिल्डिंग, वो टावर, वो कब्रिस्तान हो या मस्जिद हो या मंदिर हो या कहीं भी जो भीड़ पहले वहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दी वो पूरा खाली करके मारने की ज़रूरत थी लोगों, लेकिन कोई कोई लोग कैसे करे, चलो यहाँ फैला रहा हूँ वहाँ फैला रहा हूँ, उससे क्या होगा, जो अबाउ 60 सीनियर सिटीजन्स है, छोटे बच्चे, उनके प्रकृति उनके हेल्थ पे बैड इफेक्ट हो सकता था और हो सकता है। ये चीज़ कुछ लोगों का कुछ अति उत्साह में या सामाजिक भावना उनको ज़्यादा से ज़ोर से जागृत होगी या कुछ अधूरा ज्ञान की वजह से वो कर नहीं पाए होंगे, ये जरा उसलिए उन्होंने ये कर दिए। तो ये चीज़ क्या हमने रुका दी कि रुकाने की कोशिश की, उसके बाद में लोग मान रहे थे। तो चार दिन पहले कमिश्नर साहब से मैं वॉइस मेल पे चर्चा की, हमारे नगर सेवक कर जा रही थी, तो उन्होंने अर्ज किया साहब, कहा के भी बड़ा मुंबई का चीफ है आयो, ये कीटकनाशक अधिकारी डेसिग्नेटेड बड़ा ऑफिसर है, सबसे मुंबई की जिम्मेदारी उस पर, उस वक्त कहने के बाद भी हर वो ऑफिसर पेस्ट कंट्रोल हर एक वार्ड का अलग ढंग से काम कर रहा था। उन्होंने को मैंने रिक्वेस्ट की आप मेथोलॉजी बनाइए, SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाइए, गाइडलाइन दीजिए इसके क्या फ़ायदे कहाँ रुके। तो उन्होंने कुछ कई लोग ने ऐसे वार्ड ऑफिसर ने कहा कि वो फायर ऑफिसर अति उत्साह में सब झोड़ रहा है, तो हवा में उड़ाने जरूरत कि हवा में उड़ नहीं है वायरस, वो सब एनर्जी केमिकल टाइम मैन पावर सब वेस्ट कर दिया, ऐसा मेरा बोलना है। और जहाँ कहाँ ज़रूरत है, जो सब कॉमन वॉशिंग प्लेसेस है, सार्वजनिक शौचालय है, कब्रिस्तान है, जो लोग की भीड़ आने जाने की मार्केट है जो खाली नहीं हुए वहाँ मारना है तो ठीक था, और इज नॉट अ प्रिवेंटिव मेजर्स कि आज आपने कर दिया और कल कोई धोबी आया वो कपड़े वाला कपड़े हाथ लगा के उसको कोरोना था उस पर कपड़े के साथ आ गया, या पेपर वाला या दूध वाला, तो हनन वो कोरोना आपको फिजिकल कॉन्टैक्ट होना ही वाला है, तो कल आपने जो स्प्रिंकल यूज़ किया उसका कुछ फ़ायदा नहीं था, वो कब ठीक है। जैसे मेरे एरिया में मैं वो तब से कह रहा हूँ, वो BIT चाल है वहीं से 80 रूम्स है एक एक बिल्ड में, और कॉमन टॉयलेट बॉक्स हर फ्लोर पे 2 या 4 ही है, मोस्टली 4 है कहीं 3 है, तो वहाँ एक ही टॉयलेट पे 10-10, 20-20 कम से कम आदमी यूज़ करते हैं और अलग अलग जगह से आते हैं। उसमें बहुत सारे लोग हमारे महानगर के कर्मचारी है, जैसे घास गली मीनोरों का बाजू की है, 150 शुक्ला शीट है, पूरा बिल्डिंग पूरी कॉलोनी महानगर के कर्मचारी, वो ऐसे ही लोग हॉस्पिटल बोलो रास्ते पे कहीं जगह काम करके आते आते समय उनका कहीं भी हाथ लगता है, एक बचरे में लगता है, कोई मेडिकल के छीक अनौस्थ होती है, तो उस ढंग से वो फैला होता है। वो आने के बाद घर पे जाते समय टॉयलेट पे वहाँ स्प्रिंकलर आप यूज़ करके क्लीन कर रखे तो ठीक था, हर जगह करने की उसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, किसी उत्साह में कोई लोग ने किए, तो मैं इसके लिए फिर मैं राइटिंग में मांगा उनसे आयो से, तो उन्हें अच्छा जवाब दिया
यही काम मैंने कि नरेंद्र साहब आप मांगते इधर उधर ले, इज नॉट गुड थिंग, इट इज़ टू फॉलोड व्हेन वी आर फाउंड अ पॉजिटिव कोरोना पेशेंट ओनली, देयर ओनली इज एडवाइजेबल टू डू इट। तो इस ढंग से मैंने अवॉइड किया, लेकिन जहाँ महानगर पाली मालमत्ता है और सार्वजनिक शौचालय है, सार्वजनिक वॉशिंग प्लेस है, वहाँ मैंने करवाने की कोशिश किया और कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स स्लो ढंग से लेकिन कर रहे हैं। हर जगह बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में जाने के जहाँ पॉजिटिव है खाली करने के बाद करना वो ठीक था, ये ऐसे ठीक है सर, बिल्कुल। ये थे नगर सेवक 216 वार्ड के नरवनकर जी। इस समय मेरे साथ में महानगर पालिका के अधिकारी भी हैं। सर आपका नाम बताइए। नमस्ते, सुधाकर क्षेत्री मेरा नाम है, मैं डी वार्ड से हूँ और मेरा पोस्ट है जूनियर ओवरसियर जी। और कस्तूरबा की साफ सफाई के लिए मुझे मुहैया कराया गया है, हफ्ते में दो बार मुझे आना पड़ता है, ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी ये सारे वार्ड मिलके हम लोग साफ सफाई करते हैं। दिन में कम से कम 100 से भी ज़्यादा यहाँ सफाई कामगार आते हैं, जिनको SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत सारी सेफ्टी गियर्स दी गई है, जैसे कि मास्क, जैकेट, शूज, आपके सैनिटाइजर्स, हैंड ग्लोव्स, ये सारी चीज़ें मुहैया कराई गई है। जो इमरजेंसी में मंगाना था वो हमारे साहब ने मंगाया है। और जिस दिन मुंबई के चीफ मिनिस्टर साहब ने लॉकडाउन करने के लिए कहा, उसी दिन से उससे ही भी पहले SWM टीम हमारी हरकत में आ चुकी है और SWM टीम हमारी बहुत अच्छी तरीके से कस्तूरबा हॉस्पिटल को साफ सफाई दे रही है, उसमें कोई दुविधा नहीं है। और हमको सारी सुविधा मिलने के बाद हम लोग भी फ्री माइंड यहाँ काम कर सकते हैं, ऐसे ही सुविधा हमको आगे भी मिले और इससे भी अच्छा काम हमसे मिले, ये हमारा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नहीं हमारी सेवा है। जैसे कि सांगली में बड़ा बाढ़ आया था, उस वक्त भी हमारी फौज उधर गई थी साफ सफाई करने के लिए, तो सांगली का बाढ़ जब हम लोग साफ कर सकते हैं तो कोरोना वायरस भी हम लोग हमारी इकट्ठा और हमारी एकजुट से हम लोग पूरी तरीके से साफ करेंगे, उसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई हमको दूजा भाव लगता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी सेवा है, ये सेवा करके ही हम लोग यहाँ काम करते हैं, तो हम लोग किसी भी तरीके से डर लेके यहाँ नहीं आते। और हमारे लेबर 101 आगे आके बोलते, नहीं सर आज हम आएंगे काम पे, ले हम आएंगे, हमको उनको बिठाना पड़ता है, बाबा नहीं हम लोग 10 से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, लेकिन उनका जिगर देख के हमको अच्छा लगता है, ये एक्सपीरियंस लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनकी ताकत लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग इनके वजह से आज हम लोग काम कर पाते हैं। और हमारे लेबर की मैं तारीफ करूँ उतनी कम है, और उनको सुविधा सारी हमारे वार्ड से, हमारे चीफ इंजीनियर, हमारे वार्ड के सहायक आयुक्त गायकवाड़ साहब, ये लोग सब लोग मुहैया करते हैं, हमको कोई चीज़ की कमी नहीं है। दोपहर में खाना आ जाता है, खाना खाने के बाद हमारे लेबर यहाँ काम करने के लिए आते हैं। बिल्कुल यस, थैंक यू सर। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम संदीप सिद्धार्थ जाधव है। हाँ, मैं डी वार्ड में एज अ कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। हमारे मुकादम से लेकर हमारे जेओ तक हमें हर एक चीज़ का मतलब इंतज़ाम करके दिया है, हमें पूरी तरह से हमें जैकेट हो या ग्लोव्स, मास्क, उससे सैनिटाइजर्स और सैनिटरी स्प्रे होने, वो सब हमें वो लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात, वो हमें दूसरी एक इन्फॉर्मेशन ऐसी बता दे कि आप टोटली जो अभी जो बीमारी है इसकी वजह से टोटली गर्म पानी पियो, ये जो कपड़ा पहनते हो वो टोटल सैनिटाइजर करने से अच्छा गर्म पानी में डालो, आप अपना क्या ख्याल रखो, क्योंकि अपने को पूरे महाराष्ट्र का ख्याल रखने का है। और टोटली जहाँ बोलते वहाँ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि सब सुविधाएं हमारे उनके साथ है। आज कस्तूरबा में हम लोग आए, हमें कुछ ऐसा टेंशन नहीं है, क्योंकि सर ने हम लोग को पूरी तरह से मतलब इसके बारे में बताया है, पूरी नॉलेज दिया है, पूरा सेफ्टी टूट दिया है, सेफ्टी किट दिया है, उसके लिए हम लोग बेझिझक हम लोग यहाँ पर काम पर आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो सेनानी हैं, एक सेनानी होते हैं जो सीमा पर जो है देश की रक्षा करते हैं, ये वो सेनानी हैं जो देश के अंदर रहकर यहाँ पे जो कोरोना वायरस जैसी आपदा छाई हुई है, लोगों तक पहुँची हुई है, उनकी सेवा कर रहे हैं। इस समय मेरे साथ में जो BMC के जो अधिकारी हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा। सर एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। सर सवाल ये है कि ये लोग जो साफ़ सफाई कर्मचारी हैं, एक तो ये लोग हुए, दूसरे जो अस्पताल में काम करते हैं, जो अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, वार्ड बॉय ले लिया जाए या नर्सें ले लिया जाए, सिस्टर्स ले लिया जाए, डॉक्टर्स ले लिया जाए, उनके साथ में उनकी सोसाइटी में एक सौतेला तरीके का व्यवहार जो लोग कर रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि वो तो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। पहली बात तो मैं सब मुंबई कर और जो लोग क्वारंटाइन में अभी लॉकडाउन में साथ दे रहे हैं, तो उनका मैं बड़ा धन्यवाद बोलूँगा और लोगों को एक ही बात कहूँगा कि हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग घर पर बैठिए, हमको घर पर बैठने का सहयोग कीजिए,
ना ही बल्कि सब्जियां और कुछ मेडिसिन लेने के लिए आप हर दिन बाहर आइए। आपको जो कुछ भी चीज़ चाहिए, चीफ इंजीनियर सर ने खुद बोला है आपके घर में मुहैया कराई दी जाएगी। तो पब्लिक का सपोर्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितना भी करें, जब तक पब्लिक अपने अपने घर पर रहती नहीं है, इसमें सहयोग हमको कम मिलेगा। और जिस दिन पब्लिक पूरा 100% घर पर रहेगी, हम लोग इसमें सक्सेस हो जाएंगे। आज भी हमारे यहाँ बहुत कंट्रोल में है और इससे भी हम लोग ज़्यादा कंट्रोल में ला सकते हैं। ये पूरी तरीके से हम लोग पब्लिक के हाथ में है। आता मराठी मध्ये बोला जाता है तो माझी सुरक्षा माझा हातात, यानी दिन भर आप घर पर हो तो 10 से 12 बार हाथ धो लो, गुनगुना पानी गर्म पी लो और घर में सुरक्षित रहो। हम लोग छुट्टी मांग के भी नहीं मिलता है, आपको तो छुट्टी है तो आप इंजॉय करो अपने फैमिली के साथ। बहुत लोगों को वक्त नहीं मिलता है फैमिली को देने के लिए, अभी गवर्नमेंट ने खुद आपको दिया है, तो आप घर पे बैठ के आपके फैमिली के साथ थोड़ा वक्त घलाइए, उनके साथ इंजॉय करिए, ना ही बल्कि घूमने के लिए बाहर निकले जिससे और 10 लोगों को तकलीफ होगा। सवाल किया था जो सौतेला व्यवहार जो लोग कर नहीं, ये तो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। मैंने हाल ही में एक सिस्टर से, मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा, बीएमसी डॉक्टर या बीएमसी का कोई भी वर्कर जो आपके लिए काम कर रहा है, मुंबई कर लोगों के लिए काम कर रहा है, महाराष्ट्र के लिए काम कर रहा है, इंडिया के लिए काम कर रहा है, उनकी मजबूरी समझो। ये आपके सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं तो आप उनकी सुरक्षा के लिए कभी भी उनसे सौतेलापन या उनसे गैरव्यवहार मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा मुहैया करने के लिए हमको यहाँ रखा गया है। तो मैं यही मुंबईकर को बहुत बड़ा ये देना चाहूँगा कि आप हमको खाली सहयोग दीजिए, और कोई भी वर्कर या लेबर या ऑफिसर आपके बिल्डिंग में या सोसाइटी में रहता है तो उनसे दूजापन मत रखिए, क्योंकि उनके वजह से आप सुरक्षित हो। तो ये मैसेज मैं सब मुंबईकर को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नगर सेवक नरवनकर जी है, मैं आखिरी सवाल उनसे करना चाहूँगा। सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, ये बताइए सर कि आप क्या संदेश देना चाहोगे जो मुंबई की जनता है या महाराष्ट्र की जनता है उनको? यही कहूँगा, जब जरूरत बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ज़रूरत तभी घर से बाहर पड़िए। जैसे कुछ इमरजेंसी आपको मेडिकल की सहायता की ज़रूरत है, कहीं डायलिसिस के जाना है, कीमोथेरेपी टाटा में जाना है, दवाई लेनी है, ऐसी इमरजेंसी बाहर पड़िए। अदरवाइज़ जो कम्युनिटी है, सब वो 4 घर है 10 घर है, उसमें एक ही जो इमरजेंसी जाके वो लेके जाओ, और जाते समय कहीं भी इस चीज़ में अकेले जाइए और साथ में दूसरा आपको साथ साथी लेके मत जाइए। बिल्कुल, ये रिस्की थिंग है जो करनी है समाज के लिए, समाज सेवा करनी है। हाँ, महानगर पालिका अधिकारी, नगर सेवक, आमदार और हर एक जो अपना आप हाथ बटा रहे, आप मीडिया वाले भी अच्छी तरह से संदेशा दे रही है, तो हर आदमी ने फील्ड पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। ये समझे, ये युद्ध है और अपन घर बैठ के लड़ना है, और जो कुछ सामाजिक समस्या है आपको देना है कि ज़रूरत है, और मैसेज कीजिए। अभी मीडिया, ये सोशल मीडिया इतना फास्ट है, आप मैसेज कीजिए, तुरंत महानगर प्रदेश भारत सरकार अधिकारी तुरंत दौड़ते आएंगे। आपने टेस्ट के लिए भी जो अपन लगे यहाँ पॉजिटिव है तो तुरंत महानगर में कॉल किए, इतना फ्री ऑफ सर्विस आके घर पे आके भी देखा है। पर इफ इट ऑल्स रियली यू फील दिस आर इमरजेंसी केस, दोज आर रियली मोर ससेप्टेबल, और जो उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही तभी। अदरवाइज आपके नज़दीक के महानगर भी छोटे छोटे जो क्लिनिक है वहाँ भी महानगर पहले हम लोग ने खोले हैं, दिस सर्दी है खांसी, उस चीज़ के लिए कस्तूरबा या नायर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, अभी जो बुजुर्ग है अब वो मोर 60 है, उनको मेरे एरिया के नज़दीक को सही अस्पताल भी अभी टोटली अच्छा खाली करके 4th फ्लोर खाली कोरोना सस्पेक्ट पीपल के लिए, उसका एंट्री अलग से है, डॉक्टर की टीम अलग से खड़ी है, तो हर तरह की सुविधा देने की। सबसे आप उन्हें जीतना चाहते यही बात है कि घर में रहिए, जरूरत बिना बिल्कुल में है, आप उनको वहीं से बाहर रख सकते हैं। अदरवाइज इतना महान कार्य जो अपना करे अपने सब लोग, राज्यकर्ता बोलो, प्रशासन बोलो, शासन, वो जीतने के लिए आप लंबे रहना ही अच्छी ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू सर। ये थे नरवनकर जी, जो कि नगर सेवक हैं, वार्ड के कुछ अधिकारी थे जिनसे मैंने बात की महानगर पालिका के। इस समय मैं, जैसे कि मैंने कहा, कस्तूरबा अस्पताल के बाहर हूँ। इनका सिर्फ एक ही कहना था कि आप जितना हो सके प्रशासन को जो है सहयोग करिए, अपने घर में रहिए। बार बार ये अपील जनता से की जा रही है, मगर कुछ ऐसे समाज में तत्व हैं जो कि इनकी अपीलों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक मेरा बड़ा सवाल था महानगर पालिका के उन योद्धाओं के लिए और वो अस्पताल के योद्धाओं के लिए जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ में जो सौतेला व्यवहार पड़ोसियों द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज अगर कोई और बीमार है, हो सकता है आपके परिवार से कोई बीमार हो और इनके हाथों आपका इलाज हो,
तब आप इनकी अहमियत को समझेंगे कि ये लोग कौन हैं और किस तरीके की सुरक्षा कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ मेरे पीछे ये सफाई कर रहे हैं, ये अस्पताल के बाहर का इलाका है जो कि ये साफ कर रहे हैं ये लोग, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो इनका भी अपना परिवार है, इनके भी अपने बच्चे हैं, इनका भी अपना घर है, वो छोड़कर आपकी सुरक्षा के लिए ये योद्धा जब खड़े हो रहे हैं तो हमारा भी काम है इस युद्ध में इनका साथ दें, साथ इस तरीके से दें कि जितना हो सके अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकले, और ज़्यादा ज़रूरी हो तो परिवार से कोई एक व्यक्ति बाहर निकले किसी भी काम को खत्म करने के लिए। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज, मुंबई। बड़ी जरूर करा।